Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Chal, chal hua hai mere saath. Tumne chal karke mujhse kunda chhine hai. Main chahta to balpurvak bhi inhe prapt kar sakta tha. Kintu chal karne mein anand aata hai mujhe. नहीं, मैं तुम्हें यह कुंडल नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगा तक्षक। अंधकार कितना भी क्यों ना हो, मैं उसमें से भी प्रकाश ढूंढ लूंगा, रोक लूंगा तुम्हें। उचित नहीं हुआ। ये सर तो मेरे प्राण लेना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, सामने शत्रु कितना भी विकराल हो, घबराना नहीं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि देवता भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। अपने नेत्र खोलो तंक। मैं तुम्हारे मंत्रों से उत्पन्न तपोशक्ति से अत्यंत प्रभावित हूं। बताओ क्या चाहते हो मुझसे? अपना वज्र मुझे प्रदान करने की कृपा करें, जिसकी सहायता से मैं तक्षक तक पहुंच सकूं और वो कुंडल प्राप्त कर सकूं जो उसने मुझसे छल से छीने। उचित, मैं तुम्हें वज्र अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु तक्षक मेरा मित्र और अनुयायी भी, इसलिए तुम इस वज्र से उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। किंतु उसकी सर्प सेना से ये तुम्हें अवश्य सुरक्षित रखेगा। Yeah.
मुझे कुंडल लौटा दो तक्षक, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे सर्पों की भलाई है। यदि ना लौटाऊं तो फिर अपने काल को बुलाओगे। काल काल तो मैं बनता हूं सबका, बड़े बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है, तो तुम कौन हो मेरे सामने रामबन बालक? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, कुंडल वापस कर दो, अन्यथा मैं वार करने में विवश हो जाऊंगा। वार करोगे? भ्रम में मत रहो, देवराज इंद्र का वज्र भी मुझे आहत नहीं कर सकता। भ्रम में मैं नहीं तुम हो मूर्ख, इतना भी नहीं जानते? मंत्रों की शक्ति किसी भी अस्त्र शस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। विश्वास नहीं होता? अभी हो जाएगा, दिखाओ। ले जाओ, चले जाओ यहां से, मेरे सर्पों को सुरक्षित छोड़ दो। आज के बाद मेरे मार्ग में कभी मत आना, अन्यथा वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। वो शत्रुता वहीं से आरंभ हुई जो और भी गहरी होती चली गई जब उत्तांक कुंडल लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे। क्या हुआ गुरु माता? गुरुदेव, क्या ये प्राप्त करा प्रसन्न नहीं है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं पुत्र, इस कुंडल को पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हम हवन कर सकेंगे। किंतु महाराज को लेकर एक दुखद समाचार है। क्या हुआ महाराज परीक्षित को? सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें बड़े-बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। और अब उनके पुत्र महाराज जन्मेजय ने सभी सर्पों को दंड देने का प्रण लिया है। ये तो उचित है गुरु माता, ऐसे सर्पों को उनके भयंकर अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे आशीष दे कि मैं भी इस कार्य में सहायक बन सकूं। अर्थात उतांग का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था, सर्पमेध यज्ञ का सुझाव उन्हीं का था। पुत्री, क्रोधित तो महाराज जन्मेजय भी थे, किंतु नागों का सर्वनाश सर्वप्रथम उन्हीं का ही विचार था। कहाँ है हमारे पुरोहित ऋषि कश्यप? उत्तर दो। महाराज, तक्षक और उसके सर्पों ने मार्ग रोक दिया है और वो किसी को नहीं आने दे रहे हैं। तब हमारे इस यज्ञ में कौन हमारी सहायता करेगा? मैं करूंगा आपकी सहायता।
मैं करवाऊंगा आपका यज्ञ महाराज। तक्षक और उनके सर्पों का आतंक बहुत समय से चलता आ रहा है। शुभ कार्यों में बाधा डालना, हमारे प्रियजनों को हमसे छीनना, निर्दोषों के प्राण हरना, ये सब उनके दुष्कृत्य हैं, जिन्हें रोकना अब आवश्यक है। इसलिए साधारण यज्ञ नहीं, सर्पमेध यज्ञ होना चाहिए। मैं ऋषि वेद का शिष्य उत्तांग आपके सर्पमेध यज्ञ में आपका सहायक बनूंगा, किंतु तभी जब आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि इस यज्ञ के बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। मेरे सैनिक इस यज्ञ स्थल के चारों ओर रहेंगे, जिनके हाथों में वो दिव्य अस्त्र होंगे जिनसे देवता तक भयभीत हो जाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए ब्राह्मण देवता, यहाँ तो कोई सर्प तो क्या, कोई असुर भी नहीं आ सकते। उचित है, मैं मंत्र शक्ति से भी स्थल को सुरक्षित रखूंगा, फिर यहाँ आने का साहस कोई नहीं करेगा। सर्पमेध यज्ञ अर्थात संपूर्ण सर्प जाति के विनाश के लिए किया जाने वाला यज्ञ, और इस यज्ञ को सफल होने से रोकने का कार्य नन्हे आस्तिक को करना था। ये तो निश्चय ही अत्यंत कठिन परिस्थिति थी दीदी मनसा के लिए। किंतु अब आस्तिक को भेजने के सिवाय नागों की रक्षा का कोई उपाय नहीं था। जिस यज्ञ को रोकने के प्रयास भी करने से पूर्व सभी देवी देवताएं विचार करने में विवश हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को उस यज्ञ को रोकने के लिए भेज दो। रावणम चागृतो दुष्टा युद्धाय सुमपस्थितम्। माता, वैसे तो योग्यता किसी की आयु पर निर्भर नहीं होती, किंतु माता के लिए तो उसकी संतान सदैव छोटी ही रहती है, और आस्तिक तो तब मात्र एक बालक होंगे। ऐसे में क्या दीदी मनसा आस्तिक को भेजने के लिए तैयार हुई? परिस्थिति विकट थी और मनसा भी सोचने पर विवश थी। एक ओर संपूर्ण नाग वंश का अस्तित्व संकट में था, तो दूसरी ओर उसके अबोध पुत्र का संकट में पड़ जाने का भय। दुविधा में थी मनसा। किंतु महाराज जन्मेजय और उतांग को कोई दुविधा न थी। उन्होंने नाग वंश के विनाश के लिए सर्पमेध यज्ञ आरंभ कर दिया था। बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। नदिग्राविन्नो अकार्षम जिष्णुरसस्य वाजिनः सुरविनो महाकृत् कालनाक् स्वाहा। लग रहा है इस यज्ञ की अग्नि नागवंश को भस्म करने पर ही शांत होगी। जल सर्प स्वाहा स्वाहा।
हे नागमाता कद्रु, हम श्वेत नागों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे काल से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए माता। आपके क्षणिक क्रोध के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी भूल को अब पुत्री मनसा ही सुधार सकती है। अबोध बालक है मेरा पुत्र, उसे इस भयंकर यज्ञ को रोकने के लिए कैसे भेज दूं? कितना भयावह है ये दृश्य। वेतनाग स्वाहा स्वाहा। अब यदि कुछ ना किया गया तो हमारा भस्म होना निश्चित है। नागराज, अपना दायित्व निभाइए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नागराज। कैसा भयंकर यज्ञ है ये, जो नागों को उनकी इच्छा के विरुद्ध खींचकर भस्म कर रहा है। पुत्र, जो घटित हो रहा है वो भयंकर है, उसे देखकर भयभीत होना स्वाभाविक है, किंतु तुम्हारा धर्म कर्तव्य निभाना है। और तुम्हारा कर्तव्य ये है, इस यज्ञ को रोकना, इस यज्ञ को रोकना, इस यज्ञ को रोकना। पुत्र, मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि तुम मेरे आंचल में सदैव सुरक्षित रहो, किंतु अपनी ममता के कारण तुम्हें तुम्हारे मुख्य उद्देश्य से वंचित भी तो नहीं रख सकती। इस यज्ञ को रोकना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य भी है और तुम्हारा मुख्य उद्देश्य भी। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता अपने हृदय पर पत्थर रखने पर विवश हो गई है, मुझे ज्ञात है पुत्र। मैं तुम्हें एक ज्वालामुखी समान यज्ञ की अग्नि की ओर भेज रही हूँ, किंतु यही मेरा कर्तव्य है, नहीं सर्पों के कुल का नाश होगा पुत्र। किंतु माँ, मैं चाहकर भी इस प्रबल प्रचंड यज्ञ को कैसे रोकूंगा? मेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करूंगा? पुत्र, तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपोशक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। कभी भी किसी को भी ये आभास मत होने देना कि तुम्हारी शक्ति किसी से भी कम है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ पुत्र, कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। पुत्र, जाने से पूर्व और अपना कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणाधिपति जी की पूजा अवश्य करना। और सदैव स्मरण रखना, तुम मेरे पराक्रमी पुत्र हो, तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है, रक्षक बनकर। इस यज्ञ को हमें किसी भी मूल्य पर रोकना ही होगा। कहाँ जा रहे हो? रुको! मेरे सर को रुको, पीछे मत जाओ, साहस रखो, एक साथ मिलकर प्रयास करो, तभी रोक सकेंगे हम इस यज्ञ को।
रुको, मेरी बात सुनो। मेरे देखते ही देखते सब स्वाहा हो गए और मैं कुछ न कर सका। रुको, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। रुको, ये भी चला गया, अपनी संपूर्ण शक्ति से इसे भी नहीं रोक सका मैं। अब तो मैं ही शेष रह गया। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे विश्वास है कि मैं असंभव को संभव कर दूंगा। इससे पहले कि ये मेरे नाम की आहुति दें, मुझे अपने मित्र के पास पहुंचना चाहिए। अब तो वो ही मेरी रक्षा कर सकता है। अपने जीवन में किसी भी त्याग को करने में सर्वाधिक कष्ट मुझे आज हो रहा है, जो मेरी आंखों का तारा है, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसके रक्षा के लिए मैं सदैव ढाल बनकर खड़ी रही। उस निर्दोष कोमल पुत्र आस्तिक को ऐसे असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया, जिसका परिणाम किसी को भी ज्ञात नहीं। एक माँ के लिए अपने पुत्र को संकट का सामना करने के लिए स्वयं भेजना उतना ही कठिन है जितना किसी व्यक्ति के लिए स्वयं अपने ही अंग को काटकर फेंकना होता है। किंतु बहन मनसा ने आस्तिक को उस शक्तिशाली यज्ञ को रोकने के लिए भेज दिया, जिसे रोकने का साहस एवं सामर्थ्य किसी और में नहीं था। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे और दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी ममता दांव पर लगा दे, ऐसी माता तो महान ही है। और मनसा ने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहकर इसी का प्रमाण दिया था। किंतु ऐसा ना था कि आस्तिक के लिए अपना कर्तव्य निभाना उसे सरल होने वाला था। यहाँ तो सभी ओर सैनिकों का सुरक्षा घेरा है, इसे भेद कर ही आगे बढ़ सकता हूँ मैं। सावधान, कोई आ रहा है, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। अब इन सैनिकों का क्या उपाय है? हटो, हटो मेरे मार्ग से, भीतर जाना है, भीतर जाना है मुझे। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वहां पर? देवर, प्रहार मत कीजिए, मैं हूं आपका मित्र तक्षक। संकट में है आपका मित्र देवराज, आप ही का आसरा है। इस भयानक सर्प में दी यज्ञ के प्रबल प्रभाव से मेरी रक्षा कीजिए देवराज, सहायता कीजिए देवराज। मैं आपका मित्र हूं, किसी भी क्षण मेरा नाम ले लेंगे और मेरे अंत की आहुति उस यज्ञ कुंड में डाल देंगे देवराज, और मैं यज्ञ कुंड की भेंट चढ़ जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा देवराज। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। मित्र तक्षक,
तुम देवराज इंद्र की सभा में आए हो तो फिर ये चिंता क्यों? तुम्हारा मित्र स्वयं अष्ट दिक्पाल है, इसलिए कोई भी यज्ञ तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। अपनी चिंताओं को त्याग दो और जाओ, जाकर अप्सराओं के नृत्य का आनंद लो। किंतु मित्र देवराज, कदाचित आप सर्वमेध यज्ञ के भयंकर प्रभाव को भूल रहे हैं। मित्र, ये स्वर्गलोक है, यहां के इस विशाल सिंहासन के समान मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता, और वैसे भी उस यज्ञ को रोकने वाला वहां पहुंच चुका है। कौन कौन है वह जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है? कौन रोक सकता है इस महाविनाशक यज्ञ को? इस विनाशक यज्ञ को रोकने के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आस्तिक नाम है मेरा, धर्म का साधक हूँ, धर्म परायण हूँ मैं। सत्य वचन कहना ही मेरा धर्म है। मैं यहाँ इस यज्ञ को रोकने के लिए आया हूँ। बालक, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो लौट जाओ। धर्म परायणता का एक और धर्म है अपने कर्तव्य पर अडिग रहना। इसलिए मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा और इस यज्ञ को रोकूंगा। हे ब्राह्मण बालक, आप दिव्य और ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम भी अपना धर्म और कर्तव्य निभाने को विवश हैं। महाराज के आज्ञा अनुसार इस यज्ञ में हम किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने नहीं देंगे। यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो यहां से वापस लौट जाइए। रुक जाइए बहन। भ्राता, ये कैसे पराक्रमी है, एक अबोध बालक के सम्मुख अस्त्र शस्त्र उठाए खड़े हैं। पुत्र आस्तिक बुद्धिमान है और धर्मपरायण भी, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। मुझे रोकिए मत, आगे बढ़ने दीजिए, महाराज से संवाद करने के लिए जाने दीजिए। बस, अब एक पग और आगे नहीं। यज्ञ की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आप हमें प्रहार करने पर विवश ना करें, लौट जाएं। धर्म की बात कहने वाले कैसे धार्मिक हैं आप? एक बालक पर प्रहार करेंगे, क्या यही धर्म है आपका? हे दिव्य ज्ञानी बालक, उचित कहा आपने। हम अपने महाराज के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते और न ही किसी दिव्य ज्ञानी बालक को अपने अस्त्रों से आहत करेंगे। किंतु अभी भी ये किंतु परंतु करने की भूल कर रहे हैं। हमारे महाराज की आज्ञा ही हमारा धर्म और कर्तव्य है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और मैं अपना धर्म और कर्तव्य निभाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी मेरा धर्म और कर्तव्य है इस यज्ञ को रोकना। तो आपको हमें अपने मार्ग से हटाकर जाना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपोशक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। कभी भी किसी को भी ये आभास मत होने देना कि तुम्हारी शक्ति किसी से भी कम है। यदि यही आपकी इच्छा है कि मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आपको बलपूर्वक हटाकर आगे बढ़ूं,
तो मैं यही करूंगा। एक बालक को रोकने के लिए पूरी सेना ही आ गई। आज आपकी संपूर्ण सेना भी मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसके पास तप की शक्ति का सामर्थ्य हो, उसे उसके कर्तव्य पद से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप मुझे मार्ग दे दीजिए। कोई उत्तम कार्य पूर्ण निष्ठा एवं दृढ़ निश्चय के साथ किया जाता है तो मार्ग में आने वाली बाधाएं निश्चय ही दूर हो जाती हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।